खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई से सिवनी से पैदल चलकर भोपाल जा रही महिलाओं का दल मुलताई पहुंचा, जहां नाका नंबर एक बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर भीम आर्मी के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। वही शक्ति जागृति महिला मंडल सिवनी की ये पदयात्री महिलाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नतमस्तक होकर कैंडल जलाया। मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम में मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं। कई बार उनके द्वारा आमरण अनशन भी किया गया, बार बार शासन प्रशासन की ओर से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मिलने ये महिलाएं लगभग 450 किलोमीटर का पैदल सफर कर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहती हैं। रिपोर्ट मोहम्मद अफसर। मेरा नाम रंजीता शिवंशी है, मैं शक्ति जागृति महिला मंडल प्रदेश अध्यक्ष हूँ और संस्थापक हूँ। मैं शक्ति जागृति महिला मंडल संस्था चलाती हूँ। आपका क्या मतलब है भोपाल पैदल यात्रा का, ये बताएं। सर, मैंने विगत अभी 15 दिन पूर्व आमरण अनशन किया, मुझे आश्वासन दिया गया कि आपके यहाँ सब मूलभूत सुविधा कर दी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हुई। निरंतर मैं 4-6 बार आमरण अनशन कर चुकी हूँ, लेकिन आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए हम लोग जानवी नगर चूना भट्टी से सिवनी से पैदल पद यात्रा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि लाडली बहना के लिए मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, तो हम लाडली बहनाओं के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? आपकी मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग है, हमारे यहाँ विद्युत की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमारा गांव रिंग रोड बाईपास से लगा हुआ है, लेकिन वहाँ मूलभूत बिजली की व्यवस्था नहीं है, इससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और दूसरी मांग है, हमारे गाँव की आबादी ज़्यादा है, तो हमारी अलग से पंचायत बनाई जाए। तीसरी मांग है, हमारे यहाँ पे 900 मीटर रोड नहीं है, वहाँ रोड की व्यवस्था की जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, और महत्वपूर्ण हमको वन अधिकार का पट्टा दिया जाए, और जिनको विस्थापित किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश में, उन्हें भी पट्टा दिया जाए। चलिए, आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को क्या कहना है, विधायक सांसद का? सर, मैंने बताई तो आमरण अनशन कर चुकी हूँ मैं, सारे लोग आगे आश्वासन देते हैं बस कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो रहा। आज हमारे बच्चे बाईपास से 1-2 किलोमीटर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आंगनवाड़ी पढ़ने जाते हैं, बारिश हो जाती है। पिछले समय में एक बच्ची का देहांत भी हो गया था, आदिवासी बच्ची का, और हम चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी से, हर जगह योजनाएँ चला रहे हैं, हमारे यहाँ जो बच्ची खत्म हुई है दिव्या हुई के, उसके नाम से एक दिव्या गार्डन भी बनाया जाए। धन्यवाद।